नहीं, मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहाँ मुझे अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल से पूछना पड़े। मैं उनके वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे ये नहीं कहूँगा कि सर प्लीज फाइल पर साइन कर दीजिए। ये बयान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पत्रकारों ने उनसे पूछा था, क्या आपको केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत है? इस सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पिता के दबाव में चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। चुनाव में 42 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज यानी 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस इस सरकार का हिस्सा नहीं बन रही है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला साल 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था। आर्टिकल 370 और 35A के लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर को तमाम विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। साल 2014 में सूबे में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। 19 जून 2018 को यह सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके साल भर बाद यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। अभी तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके प्रशासन की जिम्मेदारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादे पर चुनाव लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अलावा 370 और 35A की बहाली का वादा किया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीते तो पाकिस्तान के साथ बातचीत और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाएंगे। उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि नई सरकार का प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना इतना आसान है? इसका जवाब है नहीं। यह इतना भी आसान काम नहीं है, इसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में प्रस्ताव पेश करना होगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल इसे केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। अब आगे का फैसला केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार संसद में एक अधिनियम यानी एक्ट लाएगी जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। इस एक्ट को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी जरूरी होगी। संसद से एक्ट पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना जारी होगी। तब कहीं जाकर जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा मिल पाएगा। हालांकि इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के पास पहले जैसे विशेषाधिकार नहीं होंगे। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार मिल जाएंगे। वित्तीय विधेयक पेश करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य की सरकार के हिसाब से होगी। व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। राज्य का दर्जा बहाल होने से कैबिनेट में विधायकों की संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकेंगे। कैदियों की रिहाई और योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर की एक हद तक केंद्र पर निर्भरता बनी रहेगी। चूंकि जम्मू कश्मीर लंबे वक्त से अलगाववाद और आतंकवाद जैसे समस्याओं से जूझता रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले होने की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर फैसले लेने की पावर रखता है। अब सवाल उठता है, आखिर जम्मू कश्मीर कब तक पूर्ण राज्य बनेगा? इसका जवाब है, इसके लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं है। यह सब कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 के हटाने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने के मामले पर फैसला दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाने के साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की बात कही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीमित शक्तियों के साथ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब दिलवा पाते हैं। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया और तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।